हेलो व्यूअर्स, अगर आप बोट ब्रांडिंग के बेस्ट ईयरबड ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेहतरीन ईयरबड्स जिनका प्राइस 1400 से 3000 के बीच में होगा। और इन सभी ईयरबड्स में आपको 120 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, अमेजिंग साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, IPX साउंड रेटिंग मिल जाएगी एंड मेनी मोर फीचर्स। बाकी 16 मार्च से पहले 200 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं तो सपोर्ट जरूर करिएगा। ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला ईयरबड है वो है बोट एयरडॉप्स 141। एंड बात करें फीचर्स की तो इसमें आपको फुल टच कंट्रोल मिल जाता है कॉल और म्यूजिक को मैनेज करने के लिए। एंड बैटरी की बात करो तो इसमें आपको 5 मिनट्स के चार्ज पर 75 मिनट्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है और टोटल आपको 42 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है केस के साथ। बाकी बात करो ड्राइवर्स की तो इसमें आपको 8 AM के डायनामिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड साउंड क्वालिटी की बात करो तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बेस सुनने को मिल जाता है, ट्रबल्स भी अच्छा आपको हाई लो मिड्स अच्छे सुनने को मिल जाते हैं। और माइक की बात करो तो दोनों ईयरबड में देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से कॉलिंग काफ़ी अच्छी होती है। एंड इसमें आपको ENC का सपोर्ट मिल जाता है, एनवायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन। तो जब आप फोन पर किसी नॉइजी प्लेस में बात करें तो आपकी जो बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी हद तक कम कर देगा। एंड इसमें आपको 80 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी का फीचर मिल जाता है, तो जब आप गेमिंग करें तो एनिमी को फुटस्टेप गन की साउंड आपको इंस्टेंट सुनाई देगी। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग मिल जाती है। एंड डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात हो तो डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और जो बिल्ड क्वालिटी मैट फिनिशिंग में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड बात की प्राइस की तो आपको 1300 में मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। तो जो सेकंड ईयरबड है वो है बोट एयरडॉप्स 181। एंड बात करें फीचर्स की तो इसमें आपको फुल टच कंट्रोल मिल जाता है कॉल और म्यूजिक को मैनेज करने के लिए। और बैटरी जो इसमें आपको 10 मिनट्स का चार्ज पर 90 मिनट्स तक का प्लेबैक टाइम मिलता है, टोटल आपको 20 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। बाकी बात करो ड्राइवर्स की तो इसमें आपको 10 AM के ऑडियो ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं और जो साउंड क्वालिटी इनकी आपको काफ़ी अच्छी सुनने को मिलती है, बेस काफ़ी सही है इसका, ट्रबल भी अच्छा है, हाई लो मिड्स अच्छे सुनने को मिल जाते हैं, बस क्लैरिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है थोड़ा और बेटर हो सकता था। एंड माइक की बात करो इसमें आपको HD माइक देखने को मिल जाता है और जो क्वालिटी है माइक की आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड इसमें भी आपको ENC का सपोर्ट मिल जाता है जो बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी हद तक कम कर देता है। और इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, IPX4 की रेटिंग मिल जाती है। बाकी इसमें आपको इंस्टेंट पेयर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो जैसे ही आप अपने ईयरबड का केस ओपन करेंगे वैसे ही फोन से कनेक्ट हो जाएगा, तो बार बार आपको मैनुअली पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बात को डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी तो डिजाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, कॉम्पैक्ट सा ग्लॉसी फिनिश का डिजाइन देखने को मिल जाता है और जो बिल्ड क्वालिटी वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड बात की प्राइस की तो आपको 1800 मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। तो जो थर्ड ईयरबड है वो है बोट एयरडॉप्स 441। एंड बात करें फीचर्स की तो इसमें भी आपको फुल टच कंट्रोल मिल जाता है कॉल और म्यूजिक मैनेज करने के लिए और जो बैटरी है 5 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देती है सिंगल चार्ज पे, टोटल आपको 30 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है केस के साथ। एंड इसमें भी आपको इंस्टेंट पेयर टेक्नोलॉजी का फीचर मिल जाता है, तो मैनुअली आपको बार बार ईयरबड पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ड्राइवर्स की बात करो तो इसमें आपको 6 AM के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जो साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, बेस बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ट्रबल्स की बात करो तो हाई लो मिड सभी अच्छे से बैलेंस कर रखे हैं। नेक्स्ट बात करूँ कॉलिंग क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है, क्रिप्स एंड क्लियर साउंड सुनने को मिल जाता है। नेक्स्ट गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, एनिमी लेफ्ट से आ रहे हैं राइट से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, IPX7 की रेटिंग मिल जाती है, तो आप इनको पहन के स्विमिंग भी कर सकते हो, बस ज़्यादा डीप में जाएं तो दिक्कत हो सकती है। एंड बात करें डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी तो डिजाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और जो बिल्ड क्वालिटी वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, कोई भी चिप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। एंड बात करें प्राइस की तो आपको 2000 रुपये का मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। तो जो फोर्थ ईयरबड है वो है बोट एयरडॉप्स 281 प्रो। एंड बात करें फीचर्स की तो इसमें भी आपको फुल टच कंट्रोल मिल जाता है जो कि इंस्टेंट परफॉर्म करता है, हल्का सा भी लैग नहीं मिलता। और इसमें आपको ASAP टेक्नोलॉजी का फीचर मिल जाता है जिसकी वजह से 5 मिनट्स के चार्ज पे 1 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाता है एंड टोटल 25 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाता है केस के साथ। बाकी बात करें ड्राइवर्स की तो इसमें आपको 6 AM का ड्राइवर्स मिल जाते हैं और साउंड क्वालिटी की बात हो तो काफ़ी अच्छी सुनने को मिलती है, बेस भी अच्छा मिल जाता है, बहुत एनहेंस तो नहीं कहूँगा लेकिन बेस जो है बैलेंस मिल जाता है, ट्रबल्स में भी हाई मिड्स लो अच्छे सुनने को मिल जाते हैं। और माइक क्वालिटी की बात हो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और ENC का सपोर्ट मिल जाता है जो काफ़ी हद तक आपकी बैकग्राउंड नॉइस को कम कर देता है। एंड नेक्स्ट बात करूँ गेमिंग की तो साउंड सेपरेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेफ्ट की चीज़ें लेफ्ट में राइट की चीज़ें राइट में सुनाई देती हैं। और इसमें भी आपको इंस्टेंट वेकअप पेयरिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसकी वजह से आपका ईयरबड केस का लीड ओपन करते कनेक्ट हो जाता है, तो बार बार आपको मैनुअली पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 IPX5 की रेटिंग मिल जाती है। एंड डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात हो डिजाइन काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फिटिंग भी काफ़ी आपको अच्छी मिल जाती है एंड जो बिल्ड क्वालिटी वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कोई भी चिप प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। और बात करें प्राइस की तो आपको 2300 रुपये में मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। तो जो फिफ्थ ईयरबड है वो है बोट एयरडॉप्स 621। एंड बात करें फीचर्स की तो इसमें आपको फुल टच कंट्रोल मिल जाता है एंड जो टच का रिस्पॉन्स है आपको काफ़ी फास्ट मिलता है। और बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 2600 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है जिसमें आपको 5.5 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाता है सिंगल चार्ज पे, टोटल आपको 150 आवर्स तक का प्ले टाइम मिलता है केस के साथ। एंड इमरजेंसी में आप अपने फ़ोन को इससे चार्ज भी कर सकते हो। बाकी बात करो ड्राइवर्स की तो इसमें आपको 6 AM का ड्राइवर्स मिल जाते हैं और साउंड क्वालिटी की बात हो तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, हर चीज़ आपको क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देगी।
ट्रबल्स भी पूरे क्लीन है, हाई मिड्स लो प्रॉपर सुनाई देते हैं। बेस भी काफी अच्छा मिल जाता है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, बैलेंस बेस सुनने को मिल जाता है। तो एक वर्ड में बोलूँ तो आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग रहने वाला है। एंड माइक क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी आपको अच्छा मिल जाता है, बट अगर आप ज्यादा नॉइजी प्लेस में तो ये थोड़ा नॉइस को कैप्चर करता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत सही मिल जाता है। इसमें जो स्टीरियो इफेक्ट है बहुत ही टॉप नॉच है, जिससे एनिमी के फुटस्टेप गन फायरिंग सब कुछ प्रॉपर सुनाई देती है। और इसमें भी आपको इंस्टेंट वेकअप पेयरिंग टेक्नोलॉजी का फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से ईयरबड जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, बार बार आपको मैनुअली पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, IPX7 की रेटिंग मिल जाती है। एंड डिजाइन बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ डिजाइन काफी अच्छा मिल जाता है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफी तगड़ी मिल जाती है। प्लास्टिक मटेरियल जो यूज किया गया है वो भी आपको टॉप नॉच मिलता है, फिनिशिंग वगैरह ही प्रॉपर मिल जाती है। एंड बात के प्राइस की तो आपको 3000 रुपए का मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर, बट सेल में कई बार ये आपको 2500 रुपए तक का मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 ईयरबड्स ऑफ बोट ब्रांड, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको TWS कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। बाकी 16 मार्च से पहले 200 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा।